नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम किसी शॉट को कैसे कंपोज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। कंपोजिशन क्या होता है? अगर कंपोजिशन की डेफिनेशन देखें तो कंपोजिशन रिफर्स टू हाउ द एलिमेंट्स ऑन स्क्रीन अपेयर इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड विद इन द फ्रेम इटसेल्फ। सरल भाषा में समझे तो कंपोजिशन एक तरह से सभी एलिमेंट्स को जोड़ना, जैसे कि लाइट, सब्जेक्ट, कैमरा एंगल, सही सेटिंग्स, जिसके जरिए एक अच्छा शॉट आ सके। कंपोजिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी ऑडियंस का ध्यान आपके फ्रेम की तरफ खींचता है। एक अच्छे कंपोजिशन से आप विजुअली अपीलिंग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इट गाइड्स द ऑडियंस टू पे अटेंशन टू वन सिंगल पर्सन अमिड्स अ क्राउड ऑफ पीपल और अ सिंगल पॉइंट इन अ बिजी फ्रेम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कंपोजिशन का ये है कि एक कंपोजिशन के थ्रू हम अपनी ऑडियंस को वो इंफॉर्मेशन और सबटेक्स्ट इंस्टेंटली कन्वे कर सकते हैं जो हम बताना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम बात करेंगे शॉट, सीन और सीक्वेंस क्या होता है, हम लोग डिफरेंट कैमरा एंगल्स कौन कौन से होते हैं उस पर बात करेंगे, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ शॉट्स के बारे में चर्चा करेंगे और आप अपने कैमरे से कौन कौन सी मूवमेंट कर सकते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉट, सीन और सीक्वेंस क्या होता है। शॉट, एक शॉट मूल रूप से तब होता है जब आप कैमरे पर रिकॉर्डिंग बटन दबाते हैं और जब उस रिकॉर्डिंग को रोकते हैं, यह एक शॉट कहलाता है। यहां पे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एक शॉट है। सीन, सीन क्या होता है? सीन में आप अलग अलग एंगल से डिफरेंट शॉट्स लेते हैं ऑन अ सिंगल लोकेशन एंड कंटिन्यूअस टाइम। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे आप एक सीन देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट शॉट्स हैं, पर जो हमारी लोकेशन और टाइम पीरियड है वो सेम है। अब अगर बात करते हैं सीक्वेंस की, सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ शॉट्स और सीन्स एट डिफरेंट लोकेशंस एंड एट डिफरेंट टाइम। एक म्यूजिक वीडियो सीक्वेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक म्यूजिक वीडियो में डिफरेंट शॉट्स होते हैं, डिफरेंट सीन्स होते हैं, जिनको कंबाइन करके आप एक सीक्वेंस तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कैमरा एंगल के बारे में। कैमरा एंगल कंपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट पहलू है। अलग अलग कैमरा एंगल से हम अपनी फिल्म को और अधिक प्रभावशाली बना पाते हैं, इससे हमारी फिल्म का मूड भी सेट होता है। तो देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट कैमरा एंगल्स होते हैं। आई लेवल, इसमें हम कैमरा के लेवल को अपने सब्जेक्ट के आई लेवल पर प्लेस करते हैं, यह सबसे कॉमन एंगल होता है। एंड आई लेवल एंगल डज नॉट रिक्वायर द व्यूअर टू सी द आईज ऑफ द एक्टर, और यह भी जरूरी नहीं है कि एक्टर को डायरेक्टली कैमरा में देखना है। आई लेवल शॉट सिमुलेट स्टैंडर्ड ह्यूमन विजन, ये किसी सब्जेक्ट को वैसे ही दिखाता है जैसे हम उन्हें रियल लाइफ में देखते हैं। टॉप एंगल, इसमें हम अपने कैमरा को सब्जेक्ट से ऊपर प्लेस करते हैं सो दैट कैमरा लुक्स डाउन एट इट। इस एंगल को यूज करके सब्जेक्ट को इंफीरियर या वीक दिखाया जा सकता है। लो एंगल, इसमें हम कैमरा के लेवल को सब्जेक्ट से नीचे प्लेस करते हैं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट को सुपीरियर या पावरफुल दिखाना है तो आप इस एंगल का यूज कर सकते हैं। जनरली बिल्डिंग को, मॉन्यूमेंट्स को हम लोग लो एंगल से शूट करते हैं क्योंकि लो एंगल इंक्रीज परसीव्ड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बर्ड्स आई शॉट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें एरियल व्यू दिखाना होता है। अगर हमें किसी लोकेशन को एस्टैब्लिश करना है तो
हम इसका यूज कर सकते हैं। इस शॉट को आप जनरली प्लेन या हेलीकॉप्टर से लेते हैं या फिर आप किसी ऊंची इमारत में खड़े होकर ये शॉट ले सकते हैं। स्लांटेड या जिसे हम डच टिल्ट शॉट भी बोलते हैं, इस प्रकार के शॉट में आप अपने कैमरा को डेलिबरेटली तिरछा करते हैं एक साइड से। इट इज ऑफन यूज टू सिग्नल टू द व्यूअर दैट समथिंग इज रॉन्ग, डिसओरिएंटिंग और अनसेटलिंग। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन कैमरा एंगल्स थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स के बारे में। सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग शॉट, इसको हम एक्सट्रीम वाइड शॉट के नाम से भी जानते हैं। दिस शॉट इज ऑल अबाउट शोइंग द वर्ल्ड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। ये शॉट अक्सर फिल्म का फर्स्ट शॉट होता है। इससे दर्शकों को यह बताया जाता है कि आगे होने वाला एक्शन कहां पर और किस समय में हो रहा है। लॉन्ग शॉट, इसको हम वाइड शॉट के नाम से भी जानते हैं। इस शॉट में यू पुट्स कैरेक्टर इन कॉन्टेक्स्ट टू द बैकड्रॉप यू एस्टैब्लिश इन एन एक्सट्रीम वाइड शॉट। इसमें आपके कैरेक्टर हेड टू टो दिखता है और वो किस लोकेशन या उसकी क्या सराउंडिंग है वो भी पता चलती है। ये आपका मास्टर शॉट भी हो सकता है। फुल शॉट, ये लॉन्ग शॉट से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आपका कैरेक्टर ज्यादा फोकस में रहता है। द कैरेक्टर इज फुल बॉडी फ्रॉम हेड टू टो अगेन, पर अब लोकेशन फोकस में नहीं होगी। मिड शॉट, इसको हम मीडियम शॉट या ऑल पर्पस शॉट भी बोलते हैं। जनरली इट शोज योर कैरेक्टर फ्रॉम द वेस्ट अप। इसमें आप अपने सब्जेक्ट को और रिवील करते हैं। सब्जेक्ट की ज्यादा डिटेलिंग होती है। अगर आपको डायलॉग सीक्वेंस, बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर कैप्चर करने हैं तो आप इस शॉट को यूज कर सकते हैं। क्लोजअप, इसमें जनरली आप सब्जेक्ट का हेड, नेक और कभी कभी शोल्डर दिखाते हैं। इस शॉट में यू गेट्स इनटू द इमोशनल स्पेस ऑफ द कैरेक्टर। अगर आपको अपने कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस और इमोशंस दिखाने हैं तो आप इस शॉट को यूज कर सकते हैं। अ क्लोजअप कैन ऑल्सो बी यूज टू शो थिंग्स सच एज अ टैपिंग फुट और द स्लाइडिंग ऑफ अ रिंग ऑन अ फिंगर। एक्सट्रीम क्लोजअप, इसमें आप फेस के किसी पर्टिकुलर पार्ट जैसे आईज या माउथ को फ्रेम करते हैं। ये काफी इंटीमेटिंग होता है एज कंपेयर टू क्लोजअप शॉट। जब भी आपको इंटेंस इमोशन दिखाने हैं या ड्रामा को इंक्रीज करना है तो आप एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट ले सकते हैं। ओवर द शोल्डर या जिसको हम ओटीएस भी बोलते हैं, ये शॉट उस व्यक्ति के पीछे से बनाया जाता है जो विषय को देख रहा है। इस शॉट में विषय का सामना करने वाले व्यक्ति का आमतौर पर लगभग 1/3 फ्रेम पर कब्जा होना चाहिए। ये शॉट प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को स्थापित करने में मदद करता है और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति को देखने का अनुभव मिलता है। दो लोगों की बातचीत के दौरान इन शॉट्स के बीच कट करना आम बात है। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, ये शॉट सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से एक दृश्य को दिखाता है। ये आमतौर पर इस तरह से संपादित किया जाता है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो दोस्तों, ये बेसिक टाइप्स ऑफ शॉट्स हैं जिनको सीखकर आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। अब बात करते हैं कैमरा मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके से हम अपने कैमरे को कोई शॉट लेने के लिए मूव कर सकते हैं। पैन, कैमरा को बिना वर्टिकल मूवमेंट के दाएं और बाएं तरफ घुमाना। कैमरे का बेस फिक्स रहेगा। अपनी लेफ्ट तरफ देखिए और फिर राइट की तरफ। यही पैनिंग होती है। इसमें आप कैमरा की पोजीशन नहीं चेंज करते, बस डायरेक्शन चेंज करते हैं। स्टैब्लिशिंग शॉट के लिए आप पैन यूज कर सकते हैं या ग्रुपिंग दिखाने के लिए भी आप पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूथ पैनिंग करने के लिए आपको ट्राइपॉड की जरूरत होती है। टिल्ट, कैमरा को बिना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के ऊपर और नीचे की तरफ घुमाना। कैमरा का बेस फिक्स रहेगा। सर को ऊपर नीचे करिए। यही टिल्टिंग होती है। इसमें भी पैनिंग के जैसे आप कैमरे की पोजीशन नहीं चेंज करते। स्मूथ टिल्टिंग करने के लिए भी आपको ट्राइपॉड की जरूरत होती है।
जब भी किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आप टिल्ट का यूज कर सकते हैं। पेडेस्टल, कैमरा को बिना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट के ऊपर और नीचे करना। पेडेस्टल अप यानी आप अपने कैमरे को ऊपर ले जाएंगे और पेडेस्टल डाउन यानी आपको कैमरे को नीचे लेकर आना है। इसमें आप टिल्ट नहीं करते बल्कि पूरे कैमरे को मूव करते हैं। फॉलो, इसमें आप कैमरा को हाथ में पकड़ते हैं या स्टेडी कैम या फिर गिम्बल का यूज करके किसी चलते हुए एक्शन को शूट करते हैं। यह थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जब अच्छी तरह से किया गया हो तो बहुत प्रभावी होता है। डॉली, जब आप अपने इंटायर कैमरा को ट्रैक या मोटराइज व्हीकल से आगे या पीछे मूव करते हैं वो डॉली होता है। डॉली मूवमेंट अगर अच्छे से की हो तो आपका शॉट सिनेमैटिक और खूबसूरत लगता है। अगर आप डॉली मूवमेंट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर योर ट्रैक इज स्टेबल एंड विल अलाउ फॉर फ्लूड मूवमेंट। ट्रक, ये कुछ कुछ डॉली मूवमेंट की तरह ही होता है। इसमें आप इंटायर कैमरा को लेफ्ट या राइट मूव करते हैं। अगेन, इट इज बेस्ट टू डू दिस यूजिंग अ फ्लूड मोशन ट्रैक दैट विल एलिमिनेट एनी जर्किंग और फ्रिक्शन। क्रेन, इसमें कैमरा को आप जिप या क्रेन में माउंट करके अप या डाउन मूव करते हैं। जिब या क्रेन को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इसमें कैमरा काफी ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी हेल्प से आप अपने सीन को सेट कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज क्राउड या सेट दिखाना है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि शॉट, सीन या सीक्वेंस क्या होता है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा एंगल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स को समझा। इसके अलावा हमने डिफरेंट कैमरा मूवमेंट्स के बारे में भी बात की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।